नमस्कार, मेरा नाम है संगीता घोष और मैं सभी कथक लवर्स का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। समय समय पे मैं कथक के कई सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ, जैसे कि तालों के बारे में भी मैंने जानकारी दी है, ताली खाली उसमें दिखाया है, कई प्रकार के तोड़े टुकड़े, सलामी, कवित जो कि कथक लवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके अलावा वंदना, सरस्वती वंदना, गणेश वंदना, गुरु वंदना, तिहाइया, सलामी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं समय समय पे अपलोड करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ, कुछ डिफरेंट है, वो है गद्य निकास जो कि कथक लवर्स को बहुत पसंद है। तो ये वाली जो वीडियो बनाऊंगी मैं एक सिंपल गद्य निकास की बनाने वाली हूँ और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मे भी आप लोगों को आता भी होगा और अगर आता है तो आप उस चीज़ को और एनहांस करके सीख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं गद्य निकास स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी आपको, मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में बताऊंगी, यानी 1 2 3 इस तरीके से पार्ट्स में बताऊंगी ताकि आपको इजी रहे सीखने में। तो इनिशियली क्या होता है कि दो बोलों पे एक फुट चलता है, जैसे झाधिम पे एक और धिंधा पे एक, यानी टोटल 16 मात्राओं पे केवल और केवल 8 पैर जाएंगे आपके। ठीक है, एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। धा धिम धिम धा धा धिम धिम धा धा धिम धिम ता ता धिम धिम धा। अंडरस्टूड हो गया होगा आपको, तीन ताल के आपको पैर आते होंगे, यानी 16 पे 8 मात्राएं के पैर चलेंगे। इसके बाद हमारी चाल शुरू होगी, चाल के जो पैर है वो भी मैं आपको बताऊंगी, यानी राइट से जो है आपका और लेफ्ट राइट लेफ्ट, पैर तो वही चलेगा आपका राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लेकिन जो पैरों की मूवमेंट है वो थोड़ी थोड़ी चेंज होगी, वो मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। पहले मैं अपनी जगह पे खड़े होकर दिखाती हूँ, यानी राइट से फ्लैट, देन लेफ्ट से पंजा, फिर राइट से अगेन फ्लैट और लेफ्ट से हील। सिमिलरली ये लेफ्ट पे भी आएगा, ठीक है। तो इसी मूवमेंट को हम आगे चाल में कन्वर्ट करेंगे और आपकी हस्तक यही रहेंगे उत्पत्ति वाले। स्टार्ट करते हैं, ता थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे, ये आपका हुआ, यहां तक आप आ गए चाल करके। अब आपको पीछे जाना है, पीछे जाने का क्या फॉर्मेट है, आपको तीन ताल के पैर पीछे की तरफ बढ़ाने हैं, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मैं जा रही हूँ इसको, और हस्तक आपको दूसरा वाला लेना है, यानी मध्य हस्त चक्र जो होता है वो लेंगे। स्टार्ट करते हैं, ता थे थे तर आ थे तर दैट। अब मैं आपको बताऊंगी फोर्थ स्टेप इसका। फोर्थ स्टेप ये है कि आपको फुल सर्कल लेना है दोनों तरफ, यानी एक बार राइट की तरफ से और एक बार लेफ्ट की तरफ से। स्टार्ट करते हैं, तो धा तिरकिट, यानी दोबारा से आपके पंजे आपको ऑन करने हैं, देन ता तू ना कर, अब दोबारा से पंजे पे लेने के बाद पांव ता तेरे ता तू ना कर। तो ये आपका फोर्थ वाला स्टेप हो गया। अब इससे अगला ये वाला स्टेप खत्म हो जाने के बाद आपको आना है आगे नॉर्मल वॉक करके, जैसे आप चलते हैं, जो स्टेप बाई स्टेप हम लोग चलते हैं वैसे ही चलना है। तो स्टार्ट करेंगे, धातिर कितना दूना कट घूमे, धातिर कितना दूना कट, यहीं से धा न ध तू ना कट। तो सिंपल वॉक करिए, मैंने पैरों का कुछ भी वर्क नहीं है, हाथ आपको ये वाली मुद्रा पे लेने हैं। इसके बाद लेंगे राइट वाले साइड से, हाथ को ओपन करके पीछे ले जाएंगे पैर को, तत ता मुद्रा, हाथ खोलेंगे दोबारा से मुद्रा, तत थे तत ता और तत थे। जस्ट पैरों को क्या किया है मैंने, पीछे की तरफ लिया है इस तरीके से, बस ठीक है। इसके बाद सिमिलरली जो अभी आपको मैंने वॉक बताई थी उसी वॉक को मुद्रा पे लेंगे, इस वाली मुद्रा पे लेंगे और हाथ स्टिल रहेंगे इसी पोजीशन पे और आगे बढ़ेंगे, तत ता थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे, यानी ये वाली चाल दोबारा करेंगे, ठीक है। इससे अगला पार्ट बताऊंगी मैं आपको, यहां से ता
यानी वही तत् काल के आपको पीछे पैर लेने हैं, यानी एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब यहां पहुंचने के बाद दोबारा से यही वाला फुल सर्कल, धातिर किता तूना कट, सातिर किता तूना कट। अब दोनों मुद्राओं को हम इस तरफ ले लेंगे अपने लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब यहां से आपको राइट वाले पैर को पंजे पे रखना है ऐसे। अब यहां से एक दो और लेफ्ट को प्लेन रखना है, यानी फ्लैट। स्टार्ट करते हैं दोबारा से, एक दो एक दो एक दो एक दो। यहां हो जाने के बाद आपको हैंड्स ओपन करने हैं अपने राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी ऐसे हैंड्स ओपन करना है और राइट वाला पैर जो है आपका थोड़ा सा खुलेगा बाहर की तरफ हैंड्स एंड हैंड्स के साथ में। धिंत धा, दोबारा सेम पोजिशन, देन धिंत धा, सेम पोजिशन, धिंत धा। यहाँ पे आपका जो है गत निकास वो खत्म हो जाता है, तो मैं इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब आप रिलेट भी कर पाओगे कि ये होने के बाद कैसा लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये गत निकास बहुत पसंद आया होगा। अभी तक तो मैंने सिंपल चीजें बताई हैं आपको और मैं आगे भी और भी चीजें बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो आइडिया है सिखाने का वो ये है कि आपको बेसिक से मैं एडवांस की तरफ ले चलूँ। मुझे पता है कई तरह के कमेंट्स और ईमेल्स मुझे आते रहते हैं कि दीदी मैम आप और भी वीडियोज अपलोड कीजिए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के चलते और स्टूडेंट्स के चलते इवन मुझे भी एग्जाम देने होते हैं, तो इसीलिए मैं वीडियोस कम अपलोड कर पाती हूँ। लेकिन एक क्वालिटी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ जिसमें हाथों की पढ़ंत भी पूरी कंप्लीट बताती हूँ और मैं टुकड़ा भी वो कंप्लीट बताती हूँ, जो आपको अपने एग्जाम्स में या कथक करने में हेल्प मिलती है। और मुझे इस तरह के कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मोटिवेशन भी मिलता है मुझे कि आपको वीडियो पसंद आई और समझ भी आई, तो इसीलिए फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स तो नहीं बोलने चाहिए मुझे, कहना चाहिए कि सब्सक्राइबर्स, बिकॉज आपको लगता होगा कि कुछ लर्निंग आ रही है इस चैनल से, तभी आप जुड़ रहे हैं इस चैनल से, तो मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से अपना प्यार मुझे देते रहिए और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूँगी कि और वीडियोज़ मैं गत निकास की आपके लिए लेके आऊँ। धन्यवाद।